जी तो दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ iFactioner.com के टेक्निकल ट्यूटोरियल्स में। और आज के टेक्निकल ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि ब्लॉग क्या चीज होती है और हम ब्लॉग से पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो शुरू करते हैं, व्हाट इज अ ब्लॉग एंड हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ब्लॉग। सबसे पहले देखते हैं कि ब्लॉग होता क्या है। ब्लॉग दो लफ्जों से मिलकर बना है, वेब और लॉग। शुरू में इसको वेब लॉग कहा जाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ब्लॉग कहलाना शुरू हो गया। अब जिस तरह ब्लॉग के अंदर कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है जी, ब्लॉग के अंदर आप राइटिंग कर सकते हैं, आप पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं, आप जो है अपनी वीडियोस के लिंक्स डाल सकते हैं, वीडियोस डाल सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा कुछ भी चीज आप ब्लॉग के अंदर डाल सकते हैं। ब्लॉग जो हैं वो डिफरेंट चीजों के बारे में हो सकते हैं, मसलन टेक्निकल ब्लॉग्स हो सकते हैं, आपकी कोई भी थिंकिंग हो, कोई भी थॉट हो, कोई भी आपका टॉपिक हो, उससे रिलेटेड आप एक ब्लॉग बना सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट से रिलेटेड आप ब्लॉग्स बना सकते हैं, एंटरटेनमेंट से, दुनिया में जो भी चीज आप सोच सकते हैं उससे रिलेटेड आप ब्लॉग बना सकते हैं। तो बेसिकली ब्लॉग जो है वो आप अपनी जो सोच है उसको लॉग कर रहे होते हैं। जिस तरह पुराने जमाने में लॉग फाइल्स बनाते थे, डायरीज लिखते थे, अपने थॉट्स लिखते थे, तो उसी चीज को हम जब वेब पे लेके आते हैं तो वो ब्लॉग बन जाता है। अब हम देखते हैं कि ब्लॉग के कंटेंट्स क्या होते हैं, ब्लॉग होता किस किस्म का है। जी तो एक जो ट्रेडिशनल ब्लॉग होता है, जो ब्लॉग साइट होती है, उस वो कुछ हिस्सा की होती है। उसके चार सेक्शंस होते हैं, दो भी हो सकते हैं, जो शुरू शुरू में आज से 25-26 साल पहले ब्लॉग्स का एक ही सेक्शन होता था। तो सबसे ऊपर जो होता है उसको हम कहते हैं हेडर, और यहाँ पे आमतौर पे हमारा लोगो और हमारा, अगर हम लिंक्स देना चाहें तो यहाँ पे हम लिंक्स दे सकते हैं अपने ब्लॉग साइट की। सबसे नीचे जो होता है वो होता है फुटर, जहां पे आप कॉपीराइट मैसेज लिख सकते हैं, कॉन्टेक्ट अस का लिंक दे सकते हैं, या किसी भी पेज का और एक दो पेजेस का, मतलब आप लिंक्स दे सकते हैं। इसके अलावा ब्लॉग्स, ज्यादातर ब्लॉग साइट्स में आप एक या एक से ज्यादा साइड बार्स देखते हैं। साइड बार्स के अंदर भी लिंक्स आ रहे होते हैं, जिस तरह लेफ्ट साइड बार है, और राइट साइड बार पे आप बेसिकली एड्स को रन करते हैं, या फिर जो हमारा मेन सेक्शन होता है, मेन बॉडी जिसमें हमारा ब्लॉग असल में लिखा हुआ होता है, उसके अंदर भी हम एड रन कर सकते हैं और उसी से हम बेसिकली पैसे कमा सकते हैं। तो अगर तो आप गूगल एडसेंस जो है पे अकाउंट बना लें, जिस तरह अब हम बात करते हैं कि हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ब्लॉग्स, कि ब्लॉगिंग वेबसाइट बना के या ब्लॉग्स लिख के आप अपने पैसे किस तरह कमा सकते हैं। तो उसके लिए आप गूगल एडसेंस पे एक अकाउंट बनाएं, और सबसे पहले आपने बनाना है ब्लॉग, ठीक है, एक ब्लॉग बनाएं। ब्लॉग जो है वो आप डिफरेंट वेबसाइट्स, आप अपनी वेबसाइट भी रजिस्टर कर सकते हैं। ये मैं आपको एक और ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया है कि वेबसाइट को रजिस्टर किस तरह करना है और उस पे चीजें अपलोड किस तरह करनी है, ठीक है। यानी कि एक प्रोसेस तो ये है कि आप अपनी वेबसाइट को रजिस्टर करें, डोमेन नेम को रजिस्टर करें, ठीक है, और डोमेन नेम को रजिस्टर करने के बाद आप अपने होस्टिंग उसकी ढूंढें, होस्टिंग पे अपनी वेबसाइट को उस पे होस्ट करें, ठीक है। होस्टिंग ढूंढने के बाद आपने अपनी वेबसाइट डेवलप करनी है, जो भी है, वेब ब्लॉग्स से रिलेटेड वेब ब्लॉगिंग वेबसाइट, ठीक है।
और डेवलप करने के लिए आप जो ज्यादातर लोग हैं वो वर्ड प्रेस को यूज करते हैं, एक सॉफ्टवेयर है, और आमतौर पर जब आप होस्टिंग करते हैं तो वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं, और सिंपल फिर आप उस वर्ड प्रेस के अंदर अपने रोजाना या वीकली बेसिस पे ब्लॉग्स लिखना शुरू कर देते हैं। एक दफा जब आपने ब्लॉग्स लिखना शुरू कर दिए, आपका थोड़ा सा ट्रैफिक आना जनरेट शुरू हो गया, तो फिर आप जाके गूगल एड सेंस के ऊपर अपना अकाउंट बनाए, और अपने अकाउंट में आप बता सकते हैं कि मेरी ये वेबसाइट है और मैं इसके ऊपर एड्स चलाना चाहता हूँ। तो अगर तो आपके जो वेबसाइट है उस पर थोड़ा बहुत ट्रैफिक आ रहा है तो फिर वो आपको अलाउ कर देंगे, और आप फिर एडसेंस के जरिए अपने वेबसाइट के ऊपर जो है एड्स डाल के ब्लॉग चला सकते हैं। दूसरा जो आसान तरीका वो ये है कि आप blogger.com, जो कि गूगल की ही सर्विस है, उस पर जाके अकाउंट बनाएं और अपने ब्लॉग्स लिखना शुरू कर दें। जब थोड़ा सा काम चल जाए तो गूगल एडसेंस पे जाके आप साइन इन कर सकते हैं, और अगर तो आप वो अप्रूव कर दें तो आप अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग्स जो एड्स हैं वो चलाएंगे, और उससे आपके पैसे जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। ये चीज जो है ये मैंने एक और ट्यूटोरियल में हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन में बहुत ज्यादा डिटेल्स में डिस्कस की हुई है। उसमें मैंने यूट्यूब का भी डिस्कस किया है कि हम यूट्यूब से कैसे पैसे कमा सकते हैं, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस ट्यूटोरियल को भी जरूर देखें अगर आप इस चीज में इंटरेस्टेड हैं कि आप ब्लॉग्स के साथ पैसे कैसे कमा सकते हैं। अब आजकल जो है वो क्या है, वीडियो का दौर है। YouTube जो है इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, उस पर बहुत ज्यादा कॉन्टेंट्स हैं, तो ब्लॉग्स जो हैं वो आजकल फ्लॉग्स की सूरत इख्तियार कर गए हैं, और इनको हम कहते हैं वीडियो लॉग्स। तो ये जो वीडियो लॉग्स के बारे में मैंने एक और ट्यूटोरियल में डिटेल में डिस्कशन की हुई है कि इनको हम कैसे बनाते हैं और इनसे पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, और लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस ट्यूटोरियल को भी विजिट कर सकते हैं। अब कुछ चीजें मैं ब्लॉग्स के बारे में और आपको बताता चलूं कि जो ब्लॉग्स होते हैं उसमें कुछ आपके होते हैं पेजेस, ठीक है, और कुछ आपने सुना होगा होते हैं पोस्ट्स। यार तूने ब्लॉग पोस्ट किया कि नहीं, तो पेजेस वो होते हैं जो कि आपके पास क्या कहते हैं, जो आपके जिस तरह कॉन्टेक्ट अस पेज हो गया, ठीक है, आपका अबाउट अस का पेज हो गया, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, और इस तरह की इंफॉर्मेशन जो कि चेंज नहीं होती, जो पेजेस डायनेमिकल डायनेमिक नहीं होते। वो एक दफा आपने बना दिए तो शायद 6 महीने बाद आप अबाउट अस की इंफॉर्मेशन चेंज कर दें, कॉन्टेक्ट अस की इंफॉर्मेशन चेंज कर दें, ठीक है, लेकिन जो पोस्ट होती हैं वो, यानी कि जो आपने एक ब्लॉग लिखा आज, लेट सपोज आपने बॉलीवुड या हॉलीवुड की किसी मूवी के बारे में रिव्यू लिख दिया, तो वो रोजाना आप एक एक पोस्ट पोस्ट करते हैं या वीकली पोस्ट करते हैं, तो वो फिर आप पोस्ट्स के सेक्शन में होती हैं, और वो मैं आपको बता चुका हूं जिस तरह वर्ड प्रेस है या फिर ये जो गूगल की सर्विस है ब्लॉगर, इसमें ये सर्विस होती है, आपने सिर्फ लिखना है। अगर आप लिखने में अच्छे हैं, पिक्चर्स शिक्चर्स कहीं से कॉपीराइटेड पिक्चर्स ना डालिएगा, आप कॉपीराइटेड वीडियोज भी ना डालें, उनके लिंक्स ना डालें, और जब आप ये चीजें डालेंगे और आपका ट्रैफिक जनरेट होना शुरू हो जाएगा तो आपको पैसे आना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ifactioner.com का आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। प्लीज लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके सब्सक्राइब करें, और ये जो छोटी सी बेल बनी हुई है नीचे सब्सक्राइब के बटन के साथ, बेल आइकॉन, उसको जरूर क्लिक करें ताकि जब मैं वीडियोस अपलोड करूं वो आपको उसी वक्त नजर आना शुरू हो जाए, और ifactioner.com को विजिट करें। मैं आपसे मिलूंगा एक और नए ट्यूटोरियल में। एंटिल देन टेक केयर, गुड डे।